तो हाय गाइस, आपका स्वागत है एक और अमेजिंग ट्यूटोरियल वीडियो में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ आप कैसे खेल सकते पोकेमोन फायर एस का लेटेस्ट वर्जन 2.25। तो इसके लिए आपको फिर से वही तीन चीज़ चाहिए पड़ेंगी, एक तो अपने गेम का जिप फाइल, जेड आर एप्लीकेशन और जॉय प्ले एमुलेटर। तो आपको सबसे पहले अपने गेम की फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो ये एक्सट्रैक्ट हेयर पर दबाना है, फिर आपको गेम के फोल्डर में जाना है, फिर गेम डॉट टी एक्स पे दबाना है, फिर ओपन, देन आपको अपना जॉय प्ले एमुलेटर चूज कर लेना है, देन नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, फिर आपको टिक कर देना है इन दोनों बॉक्सों में, देन आपको वेट करना है, देन अलाउ कर देना है। आपका ऐसा मेन्यू नहीं आ रहा हो तो फिर आपको इन तीन डॉट्स पर क्लिक करना है, देन सेटिंग्स और ऐप सेटिंग्स। अगर आपका ये स्कोप्ड स्टोरेज ऑन हो तो इसको बंद कर देना, देन आपको ये सेटिंग्स को सेव कर देना है सेव के बटन पर दबा के, फिर वापस प्लस के आइकॉन पर दबाना है, फिर आपको अपने गेम का नाम डाल देना है। तो मैं डाल देता हूँ पोकेमोन फायर एश, देन आपको वर्जन में डाल देना है 2.25, आप छोड़ भी सकते हैं। देन एग्जीक्यूटेड फाइल में आपको चूज कर लेना है अपना गेम का फोल्डर और अपने गेम की फाइल गेम डॉट टी एक्स फाइल, देन चूज और आपको आइकॉन छोड़ देना है। फिर ये लोडिंग होगी, फिर आपको ऐसा पूछे तो यस दबा देना है, फिर ये थोड़ा और लोडिंग होगी तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। फिर आपकी लोडिंग कंप्लीट हो जाए तो ओके पे दबाना है, फिर आपके गेम के आइकॉन पर दबा के रखना है, ऐसा कुछ होगा तो आपको इस पे दबा के रखना है, फिर ऑप्टिमाइज मैप्स कर देना है, फिर आपको ये ऐसा कुछ बोले तो आपको डिफ़ॉल्ट कर लेना है। ये थोड़ा कुछ 22 MB का डाउनलोड होगा तो आपको डाउनलोड कर लेना है। तो इसके लिए भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो मैं फिर भी वीडियो को स्किप कर देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो ये बस डाउनलोड हो गया, तो फिर ये आपको फिर से लोडिंग होगा थोड़ा बहुत, तो फिर ऐसा कुछ आएगा, आपको एंटर दबा देना है, मैंने दबा दिया, फिर ये कुछ लोडिंग होगी। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 5 से 10 मिनट, तो मैं इस वीडियो को स्किप कर देता हूँ। तो जैसे ही आपका हो जाए आपको एस्केप के बटन पर दबाना है, आप जैसे ही फिर एस्केप बटन पर दबाओगे आप आपके फ़ोन के होम स्क्रीन पर आ जाओगे। तो वापस आपको अपना एमुलेटर खोलना है, फिर आपके गेम के आइकॉन पर फिर से टैप करके रखना है, फिर आपको अनपैक रीपैक स्क्रिप्ट पर दबाना है, फिर इसमें 5 से 10 सेकेंड ही लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये हो गया, फिर आपको ऊपर के एरो पर दबाकर क्रॉस के आइकॉन पर दबाकर यस करना है, फिर आपको अपना गेम ओपन करना है, फिर आपका बस गेम स्टार्ट हो गया बिना किसी लैग के। तो मैं थोड़ा आवाज़ कम कर देता हूँ के, तो मैं आपको इसके थोड़े बहुत बटन समझा देता हूँ। ये आपका फास्ट फॉरवर्ड का है, ये कीबोर्ड लाने के लिए, और ये आपके फ़ोन को रोटेट करने के लिए, तो मैं फिर से रोटेट कर देता हूँ, और ये एक सेटिंग्स का होगा, इस पर दबाना है, फिर आपको आपके बटन स्टिक कर लेना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले तो आपको बटन स्टिक कर लेना है। तो मैं आपको मिलता हूँ ठीक करने के बाद, फिर आप देख लेना, ठीक है गाइस। तो मेरे बटन स्टिक हो गए हैं, तो आप देख लीजिए मेरे बटन सर। तो फिर आपको ये बटन सही करने के बाद सेव के बटन पर दबाना है, फिर आपको सी एंटर कुछ भी दबा देना है, फिर ऑप्शंस में जाके आपको टेक्स्ट स्पीड फास्ट कर लेनी है, और फिर आपको बैक आ जाना है कैंसिल पर दबाकर। फिर मैं आपको थोड़ा बहुत गेम प्ले दिखा देता हूँ, तो आप देख लीजिए, बहुत मज़ा आएगा। तो हाँ, आप हमारा वीडियो मत देखना भूलिएगा, हम इसके ऊपर भी एक सीरीज बनाएंगे फायर एश की गेम प्ले वीडियो की, तो ज़रूर देखिएगा। तो आप देख ही सकते होंगे ये कितना स्मूथ चल रहा है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, आपको F प्रेस करना है 2 बार, उससे आपका और फास्ट चलेगा गेम। सिर्फ फायर एश में ये ट्रिक काम आती है। तो तब तक हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, और गेम प्ले जरूर एंजॉय कीजिएगा, और देखिए कितना स्मूथ चल रहा है बिना लैग का। तो बाय गाइस।